तो आज है कपिल की बारात, तो उसके लिए सारे तैयार हो गए भाई, तैयारी कर रहे हैं गाड़ी वाले, झालर झूलर लगा रहे हैं अभी गाड़ियों पे। तो ये बारात आएगी, गोचर से आएगी, भांजा भी हो तैयार हो के आगे भाई, दूल्हे का भाई जैसे लग रहे हो आप। अब जोशी का काम है गाड़ी पे झालर लगाना। अब ड्रेस से बारात जाने की तैयारी हो गई है, तो उससे पहले सब लोग फोटो शूट करा रहे हैं। तो सब लोग देखो भाई यहाँ पे दूल्हे के साथ फोटो शूट करा रहे हैं, और बारात भी लगभग तैयार हो गई है। दूल्हे का ये फोटो शूट कार्यक्रम चल रहा भाई अभी गाड़ी से, क्योंकि अब रैंस गांव से हम प्रस्थान कर रहे हैं। तो उससे पहले सब दूल्हा यहाँ पे फोटो शूट करा रहे हैं, तो आगे आगे कैमरा वाले और पीछे पीछे दूल्हे की गाड़ी। तो 9 बजे हैं और बारात यहाँ से प्रस्थान के लिए तैयार हो गई है। बज के 56 मिनट हुए हैं और हम पहुंच गए हैं पालसुनी के ठीक नीचे। कहाँ पे इनका कांड हो गया भाई, इस गाड़ी पे लग गई, इस गाड़ी से और वहाँ से बस भी आ गई। सुबह 10 बजे पहुंच गए हम नारायण मगर। अब नारायणगढ़ में यहाँ पर करण स्वीट शॉप से हम यहाँ पे मिठाई खरीद रहे हैं। दूल्हे के भाई हमारे दीवान जी खरीद रहे हैं यहाँ पे मिठाई। चलो यार चाब दिया नहीं हाँ, अरे तो खोल के जान यू तो कहने खोला नू खोल यू नहीं खाने रे भाइयों खोल दिया भाई, भूख लगी ना तो भूख लगी तो खोल यानके तो ठीक जी अब देख रहे। तो हम रुके थे बड़गांव में यहाँ पे, थोड़ा जिन लोगों ने नाश्ता नहीं किया उन्होंने नाश्ता किया था। उसके बाद हमारी गाड़ी का टायर यहाँ पे पंचर हो गया था, तो ये टायर चेंज कर रहे हैं हम अभी। लक्ष्मी टायर ट्रेडिंग सिमली में हम यहाँ पे थोड़ा सा भाई टायर बना रहे हैं, तो यहाँ पे ये टायर बना देंगे हम, क्योंकि वहीं हमें कच्ची रोड पे जाना है, तो टायर एक्स्ट्रा तो स्टेपनी तो चाहिए क्योंकि जो था वो लगा दिया हमने, जरा इसी को बनाते हैं। बाकी ये रहा सिमली का व्यू, और ये सामने है सिमली मार्केट, और हम सिमली मार्केट से थोड़ा पीछे हैं। तो ये रहा टायर, अभी यहाँ पे जाम लग गया भाई कंट्रैक्ट से थोड़ा पीछे।
16 मिनट में जाम खुला हुआ है यहाँ पर से। अब यहाँ हम यहाँ पर से जा रहे हैं, देखते हैं आगे जाम है कि नहीं है। चलो जी करण प्याज से हम आगे निकल रहे हैं। ब्रांच रोड है, 12:42 पे हम इस रोड पे प्रवेश हुए हैं, तो देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं हम। अब हम आ गए हैं इस कच्ची रोड पे, अभी रास्ते का पता नहीं लग रहा है, इस रोड पे गाड़ियां भी नहीं दिख रही हैं। पहुंच गए हम कवट्टा में, तो ये पहुंच गए भाई हम इतनी टॉप पे, और यहाँ से आप 2-3 किलोमीटर पैदल होगा, पूरा बांस का ही बांस का जंगल है यहाँ। देखिए जब जिस रोड से हम गलत रास्ते गए ना, वो ये वाली रोड थी, हम फिर वहाँ से आगे गए हम और इस वाली रोड से यहाँ आए हम। तो यहाँ से काफी खूबसूरत गांव दिखाई दे रहा है, गाँव देखिए चोटी पे पौड़ी लग गया यहाँ पे, ये सारे पौड़ी का एरिया में आता है, पौड़ी के एरिया में। हाँ ये इसके पीछे दाना खा ले ना, रिद्धप्रयाग से जो रोड कटती है धनपुर वाली, तो यहाँ टॉप ही टॉप बहुत ही सुंदर गांव है। रोड जानी नहीं वास हुआ भाई नीचे गोचर ना ना, यहाँ से पैदल रास्ता शुरू हो गया है। अब भाई हमें जाना है इस गांव में, अब यहाँ से तो नीचे उतरना पड़ेगा पहले हमें, ठीक नीचे जहाँ से ये नदी जा रही है और फिर वहां से ऊपर की ओर, तो सब लोग लगे हैं अभी रास्ता। चलो जी बराती आ ही रहे हैं अभी, मनीष पहले पहुंच गया हमसे। अब ठीक किस गदेरे में जाना है यहां से ऊपर गुरुदेव, तो कैसा लग रहा भाई आपको? बस सही लग रहा है। अच्छा हिल स्टेशन है यहां पे, देखो पूरे बांस के जंगल हैं, तो ठंड भी बहुत है अभी। बाकी लोग अभी नीचे उतर ही रहे हैं यहाँ से, रोड से 1.5 किलोमीटर नीचे फिर 1.5 किलोमीटर ऊपर, बहुत लंबा रास्ता। तो पुराने घराट हो गए ना, ये बंद पड़ गया है। तो यार हमारी बडेली वाले तो हमारे साथ हैं यार, 2 लाख कम से कम हमसे, हाय 15-18 घंटे पहले पहुंच गया होगा। और हम अब जा रहे हैं क्योंकि हम रास्ता भी भटक गए थे। अब ये देखो दूल्हे का भाई, ओए गदर गदर कौत रे, खड़ी चलाई है यहाँ से, सूट कैसे है? चल भाई कैसा रहा अभी तक का सफर? बहुत बेकार। हाँ तो बताई हो आपको आईफोन, अबे सब लगे हैं पैदल और पैदल में इनकी होगी हालत खराब। मनीष के लार के हैं लेदर के जूते, उससे हो गया होगी परेशानी। अरे तो यमुना जूत क्या लिया तू? सबसे तेज रफ्तार है हमारे इंस्पेक्टर साहब की, तो भाई
हमेशा शहरों में रहने वाले, और यहाँ देखो उनकी स्पीड भी इतनी है पहाड़ों में चलने की। वो भी ठीक बोला आपने यार। बंदे दिखाई दे रहे हैं, ये देखो उनकी तरह छोटी छोटी झाड़ियाँ, बांज के जंगल और गलों में होने वाली घास ही है भाई। आशीष भी पहुंच गए हैं। अभी इनमें सबसे बढ़िया फिटनेस है नवीन की और मनीष की। ये वाले मनीष की, अरे ये तो यार, ये देखो ये जी बड़ा आई कार्ड भेज रहे, कमर पे हार ले, ये कमीज भी भेज रहे होने वहां नहीं। देख करण, देख कितना माल भी ला रहा है, खुद भी आ रहा है करण। तो भाई लगाओ अभी तक कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत ही बेकार बेकार बड़े बड़े लोकेशन पे जाना बहुत अच्छा लगता है ना। वही सही बात है, ऐसे पैदल भी जाना ही चाहिए यार, थोड़ा ऐसा भी नहीं है। हाँ सर, गाड़ी की आदत हो गई लोग, जंगल में मंगल जैसा अनुभव सुंदर वादियों में। खैर आपको तो लगेगा ही दिनों बाद, आप तो शहर शहर से ऐसे इलाके में। ये देखिए बांझ ही बांझ है, और यहाँ बहुत बर्फ गिरती होगी। जेठ जी आ गए भाई नीचे से। हाँ जेठ जी, मैं जेठ जी, मैं कपिलापुर के लिए। हे भगवान, है दूर भी नहीं कौन है भगवान का सम। क्या तो वक्त मुझ में मिल जो गनी मत रे, क्या तो नजदीक है, जा ठीक है यार, भगा के ले आएंगे उसको, भैया तैयार है फील्डिंग पीछे। हम ठीक वहां पर से आए भाई, और वहां पर से यहाँ नीचे, और नीचे से यहाँ चढ़ाई करीबन 3 या 4 किलोमीटर की दूरी तय की होगी, और अभी हम गांव के नजदीक पहुंच गए हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है। वैसे ये रोड तो कट रखी है, वहाँ पता नहीं गाड़ियाँ क्यों नहीं आ रही हैं। आगे विवाह चल रहा है, विवाह चल रहा है और नीचे गांव में, गांव में विवाह चल रहा है ना। थोड़ा देर फोटो शूट के बाद चलते हैं भाई गांव की ओर। यहाँ पे भाई रिंगाल भी हो रखा है, तो घर में रिंगाली है, यहाँ पर शहीद गौशाला है, घर होगा इनका। तो रिंगाल के बहुत सारी झाड़ियाँ हैं यहाँ पे, बाकी हम बांझ के जंगल के बीचों बीच जा रहे हैं अभी। अब यहाँ खेतों में ही ये देखो कद्दू ऐसे ही लगे हैं। अब रिंगाल तो प्रत्येक घर के नीचे है भाई, यहाँ पे देखो रिंगाल तो यहाँ बहुत सारे हैं। अब यहाँ पे है ककड़ी, और देखो भाई ककड़ी लगी है पूरा, इतनी ककड़ियाँ हैं कि मानना पड़ेगा गुरु। अब कद्दू भी देखो यहाँ पे, कद्दू ककड़ी छेमी, तो ये सब यहाँ पे बहुत रुख है भाई। ठंड है ना, ठंडे इलाके में यही सब चीज सब्जियां होती हैं, तो गांव का रास्ता ऐसे ही है। अब इस पे भी कितनी ककड़ियां लग रखी भाई, तो यहाँ तो पूरे खेतों में ककड़ियां हैं, बंदर नहीं होंगे ना इसलिए यहाँ ककड़ियां भी बहुत हैं। मक्के की वैरायटी देखो कितनी छोटी है यहाँ, छोटी छोटी मक्की। तो चलो जी, शादी वाले घर में हमने एंटर कर दिया है, और यहाँ पर सबसे पहले बारातियों का स्वागत हो रहा है, और सबसे पहले मिठाई के बाद उनको लिफाफा वगैरह दिया जा रहा है। तो पंडित जी आगे से मिठाई लगा रहे हैं, और परिवार के जो मुख्य गार्जियन होंगे ना, वो लोगों को यहाँ पे मिठाई ले रहे हैं, लिफाफा दे रहे हैं, साथ साथ में जलपान और मिष्ठान भी बारातियों को दिया जा रहा है। जयमाला की लील स्टेज पे दुल्हन का आगमन भी हो गया है, और यहाँ पे अभी फोटो शूट हो रहा है।
है माथा और छोटा सा गांव है, अभी छोटा सा गांव है, दो तीन परिवार रहे, दस से पंद्रह परिवार रहते होंगे यहाँ पे। और अभी बारातियों के लिए दोपहर का भोजन हो रहा है, दो जगह खाने के लिए बैठे हैं। यहाँ पर जो ब्राह्मण बांट रहे हैं, ब्राह्मण के हाथ के खाने वाले, और यहाँ पर रफ एंड टफ, रफ एंड टफ यानी जूते में भी खा सकते हैं। यहाँ पे बैठने का तरीका वही है, सिर्फ यहाँ पे अगर कोई जूता नहीं खोलना चाहता है तो वो खा सकते हैं यहाँ पे, बाकी जूता खोल के ब्राह्मण के हाथ जिनका जनेऊधारी होंगे जो, वो यहाँ पे खाएंगे। बाकी लोग भी लगे हैं अपने काम पे। यहाँ सिर्फ हमने दो चीजें नोटिस की, एक ककड़ी, राजमा, संतरे और संतरे, आलू आलू भी है और कद्दू, ये चीजें तो बहुत है भाई यहाँ पूरे खेती में। यहाँ से देखो सारे ऐसे ही लग रहे हैं, ये बेल लगे हैं इनमें छेवीं, छेवीं के साथ ककड़ी भी बो रखी उन्होंने और साथ साथ में कद्दू। देखो पूरा गांव के बगल से ही बांस का घना जंगल लग जाता है, काफी घना जंगल है और लगभग पहाड़ी की चोटी पर है भाई ये गांव। जोशी रुक, चल बोलो चलो खतरनाक। हेलो ओ चाय रखो जी। अरे इसको देखो यार कितना प्यार कर रहा हूँ, कितना हेलो या खो अरे ये सारा पता नहीं ना करी बे गिर नाको नाको बिजा का जा नदी ना जा। अरे वो अंगूर तोड़ डालू, मटन दलाल मटन, अरे अंगूर तोड़ सब सागर सब सब हां ओ अब बोला भाई जी। यहाँ गांव में खुली छूट है ककड़ी खाने के लिए, तो हमने कम से कम 20-25 ककड़ियाँ खा दी। अरे देखो भाई ये ऐसी अब लास्ट टाइम की है ना, तो ऐसी हो रही है, बाकी जो ककड़ी पक गई तो वो ऐसी हो रही है। सूरज भाई का देखो मजा आया, बहुत मजा आया। गांव का लोकेशन मैन का दंश इस गांव पे भी है भाई। देखो इस घर तो बना है लेकिन ताले लगे हैं, तो घर में कोई नहीं है और आंगन में ऐसे घास जम रखी है। सबसे बड़ी बात है सुख सुविधाओं का न होना, अगर रोड होती और अन्य सुख सुविधाएं होती तो ये लोग भी पलायन नहीं करते, तो ये लोग भी जा चुके हैं गांव से। इसी प्रकार सारे ऐसे ही मकाने दिख रही हैं आधे से ज़्यादा, तो इसी प्रकार से सारे मकाने डैमेज हैं और आंगन में घास जम रखा है। लोगों ने बना तो रखी है तो लेकिन जब घर आते होंगे तभी को उसकी सफाई करते होंगे। जोशी जी यहाँ पर से बीज के लिए ककड़ी ले जा रहे हैं, तो ये देखिए पीली वाली ककड़ी निकाली जोशी जी, दिखाओ ये देखो
और प्रदीप भंडारी के पास भी है एक, ये देखो। इस पर्व पे सब जगह बारातें होती हैं। सामने वाले गांव में भी एक बारात हो रही भाई, वहाँ पे भी टेंट वगैरह लगा है, गेट वगैरह, तो यहाँ पे भी शादी हो रही है। अब हमको अभी यहाँ से जाना है और ठीक यहाँ पे है स्टेशन, तो यहाँ पे हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो यहाँ तक हम पैदल यात्रा करेंगे। बाकी आज ककड़ियाँ तो बहुत खा दी हैं, तो यहाँ इतनी ककड़ियाँ हैं कि ककड़ियाँ खाते खाते परेशान हो गए हम। बाकी इस प्रकार से देखो खेत में ही ककड़ियों के बेल हैं इस प्रकार से, तो जितना चाहे उतना निकाल लो। जब हमने किसी से पूछा कि दाई जी हमको ककड़ी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि फ्री है, जितना चाहे उतना खा लो, क्योंकि आपका ककड़ियों का सीजन चले गया है। तो ये लोग शायद ये ककड़ियाँ वगैरह बेचते भी हैं, इनका व्यवसाय भी है ये। अब यहाँ एक चीज़ देखी मैंने, यहाँ छोटे छोटे से गांव हैं, जैसे कुछ परिवार यहाँ पे रहते हैं, कुछ परिवार यहाँ पे रहते हैं, कुछ परिवार यहाँ पे, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, तो मतलब 20-25 परिवार से ज़्यादा एक गाँव में नहीं है। तो इसी प्रकार जिस गाँव में भी हम आए थे, उस गाँव में भी 20-25 परिवार ही हैं। तो इन गाँवों में बहुत कम परिवार रहते हैं, छोटे छोटे गाँव, अपने गाँव की अपेक्षा हमारे गाँव में 150 से 200 परिवार रहते हैं। तो यहाँ तो बहुत छोटे छोटे परिवार, छोटे छोटे गांव हैं और कम लोग रहते हैं। देखो वैसे रोड यहाँ पे आ रखी है, ये देखो यहाँ पे, पर लेकिन अब यहाँ से इतने गांव ये वंचित हो गए हैं बिना रोड के, क्योंकि जब रोड आ ही नहीं रही है तो ये गांव भी परेशान हो रखे हैं। आसपास के गाँव में जहाँ पर भी विवाद है, उन लोगों को विवाद को सुलझा देना चाहिए, क्योंकि अगर रोड से ही विकास है और आपस में एक दूसरे से मेलजोल भी होता है, तो अगर आप रोड को इसी तरीके से रोकते रहोगे तो विकास कैसे होगा? सरकार भी किस प्रकार से आपका साथ देगी? रोड आने देनी चाहिए, क्योंकि रोड आने से गांव का विकास ही होता है। बाकी इन लोगों ने आलू भी बो दिया भाई, आलू की खेती, पूरे खेत में आलू और हरी सब्जी बो रखी है, तो हरी सब्जी पहले ही निकाल देंगे ये। तो आलू के जो पौधे हैं वो हो चुके हैं अभी। ऊपर में कई खेतों में देखा हमने कि आलू ऐसे ही गिरे हुए हैं। अगर रोड आ जाएगी तो यहाँ से जो लोग पलायन कर चुके हैं वो लोग भी फिर से गांव में आने की कोशिश करेंगे और लगातार अपने गांव से संपर्क बनाए रखेंगे, तो इसलिए रोड का होना बहुत ज़रूरी है। सामने से देखिए हिमालय का व्यू, अभी बादल तो लगे हैं पर हल्के हल्के दिख रहे हैं, ये देखिए बर्फ़ की चोटियाँ साफ साफ दिख रही हैं। अच्छा ये ढमढमा आ गया, वो डांडा खाल है, ये वाला डांडा खाल जो सबसे ऊपर है ना। हाँ, तो वहाँ पे एक मंदिर भी है, किस चीज का मंदिर होगा? मंदिर हनुमान जी का मंदिर है वो। अच्छा हाँ, और जो हरियाली मंदिर है वो कहाँ है? ताऊ जी ग्वाड़ है, ये ग्वाड़ ये है, नीचे ये भी ग्वाड़ी है। अच्छा वो ऊपर तला मल्ला होगा, तला मल्ला है। हाँ, ये धार ग्वाड़ है, उधर वाला चरखिल ग्वाड़ है। अच्छा ये ग्वाड़ में ही आते, एक ही ग्राम सभा है, एक ही ग्राम सभा, ये भी एक ही ग्राम सभा, इसी में आती है, इसी में आता है। कम 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 परिवार रह रहे ना एक साथ, नहीं 15-20 परिवार है। धनपुर, धनपुर, धनपुर कहाँ हुआ? इस धार के पास से नाखून मार के बता रहे हैं ना कि मतलब कैसे पता लगेगा, इसकी चमड़ी से पता लगेगा क्या? सुन सही है, तुम भी गड़वाए छे, हम भी गड़वाए हैं, जिसकी चमड़ी क्या हो, ये चमड़ी क्या होनी मजबूत, जो एक चमड़ी मजबूत हो गया वे के भीतर बीज ठीक छ। अच्छा अच्छा, पक्को बीज हो गया, जो एक चमड़ी कच्ची छ नाकुन डूबी बीज आ काम ठीक, ये तो धर दिया। तो ताऊ जी आप हो ना क्या? वैशाख सिंह, वैशाख सिंह गोनो गोनो मस्कोला, मस्कोला मस्कोला के हमारे अंकल जी वैशाख सिंह जी मिले हमको यहाँ पे, उन्होंने कुछ जानकारियाँ दी हमको कि ककड़ी के अंदर बीज कैसे आप पता कर सकते हैं। जोशी का माल अर्पण हो गया, ग्राम प्रधान हुए था कि हम सूरत खान भाई पाओ, एक एक हमारे खाने के भी स्वागत हो, सभी गणमान्यों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम आए थे, कहाँ से आए? कहाँ से आए? वो करीबन वहाँ से 5 किलोमीटर पैदल चले। क्या गांव है? माड़ा ना, माड़ा मंडा, माठा, माठा, माठा गांव में आए थे। वहाँ पे काफी अच्छा व्यवस्था थी, वहाँ पे शादी में गए थे हम वहाँ पे। हरियाली हरियाली माँ का यहाँ पे मंदिर है शायद,
और ये गांव का गेट भी है, बैग दे दो सामने वाले गांव का गेट। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं जहां पर गाड़ियां जा रही हैं, और यहां से हम चलेंगे अब गाड़ियों में, और बाकी बारात भी आने वाली है। सब लोग यहां पे तरोताजा हो रहे हैं पानी पूनी पी के, और जो जी ने भी अपनी माला संभाल के रखी है। कुर्सी भी आ गए हैं। हेलो, तो क्या सीन है भाई तुम्हारा यार, तुम भी तो सीधे। अरे हमने कहा यार बैठ जाते, ठंड हो रही है यहाँ, वैसे भी जंगल का रास्ता है। घर आ रहे हो? घर आते हैं। आज घर है? आज घर में है सीधे, घर आते हैं, सारी व्यवस्था है। अब चांद भी आ गया है, प्रदीप भंडारी यहाँ पे फोटो शूट करा रहे हैं थोड़ा। और सामने उस गांव से आए भाई हम, वहाँ से यहाँ से और यहाँ तक तो करीबन 40 मिनट का रास्ता है। तो ठीक 6 बजे हैं और कुछ गाड़ियां चली गई हैं, तो 6 बजे हम यहां से लगभग 6 बजे यहां से निकलेंगे। तो तब तक देखते हैं कि कब तक हम घर पहुंचते हैं, क्योंकि मेरी फोन की बैटरी भी अब डेड होने लगी है, तो आगे की वीडियो शूट नहीं कर पाऊंगा मैं। तो देखते हैं अगर बैटरी बचेगी तो घर में बताएंगे कि कितने बजे पहुंचते हैं हम घर में। करेक्ट 6:01 हो रहा है, बारात भी आगे जा रहा है। अब जाम लगा है। रात के 10 बजे हैं और बारात पहुंच गई है रेंस में।